नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। तस्वीरें पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से महिला चीख चीख कर रो रही है और ये आंसू क्या बयां कर रही है। तो आपने देखा किस प्रकार से यह महिला चीख चीख कर रो रही है। दरअसल आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद जो तस्वीरें बिहार में दिवाली के पहले सामने आई वो डरा देने वाली थी। गोपालगंज में कथित तौर पे बताया गया कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है और बेतिया में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल 14 से ज़्यादा लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और इन सभी का कारण है जहरीली शराब। और पंचायत चुनाव में वोट फिक्सिंग का ये कांड सामने आया है। वोट फिक्सिंग के कारण इन्होंने शराब पिलाया, शराब पिया गया और फिर जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की आंखें छिन गई और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कईयों ने अपने पिता को खोया, कईयों ने अपने बेटे को खो दिया है। जी हाँ, मामला जो है पंचायत चुनाव से ही रिलेटेड है, ये आरोप भी लगते नजर आए हैं। और इस बात पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी हमलावर हुए हैं सरकार पर। आपको हम वो ट्वीट्स पढ़कर सुनाएंगे। सबसे पहले चिराग पासवान ने लिखा है कि बेतिया में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं ईश्वर से सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। दिवाली के दिन जिनके घरों में मातम छाया है उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी, आखिर कौन और कितनी मौतों का इंतजार करेंगे आप? बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। ये घटना मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी के दावों की पोल खोलती है। फिर तेजस्वी यादव ने लिखा है, उस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, इन चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। हाँ, किसी के सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और बात जो है, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो यही बयां भी करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस समाचार में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ आंकड़े हम आपको दूसरे वीडियोस में भी पेश करेंगे 2021 के। जानकारी के लिए फिलहाल यह भी बता दें कि छठे चरण के पंचायत चुनाव तक करीब 1,00,000 से ज़्यादा दारू भट्टों को बर्बाद किया गया है, यानी कि तोड़ा गया है। और अभी भी न जाने कितने जगहों पर शराब बन रही है। जब शराबबंदी की छूट थी तो शराबबंदी नहीं थी तब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती थी, क्योंकि सब लोग असली शराब पीते थे। जैसे ही शराबबंदी हुई लोग जुगाड़ में लग गए और उसकी वजह से जहरीली शराब जैसी चीज़ें उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से न जाने कितनों के घर उजड़ गए। फिलहाल इस समाचार में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।